हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग स्वागत है आपके ही चैनल ड्रीम इलेवन डॉक्टर में एक बार फिर से जो मैं हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो होने वाला यहाँ पे थर्स इलेवन पी एन वर्सेस यहाँ पे शार्क एस एच ए के बीच जो मैच होने वाला है पॉण्डेचेरी टी ट्वेंटी का इस मैच की वीडियो तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी इसलिए आप मिसमत करना किसी भी पॉइंट को तो uh, करते वीडियो को स्टार्ट उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है जिसका नाम है ड्रीम इलेवन डॉक्टर आपको स्क्रीन पर नाम लिखा हुआ दिखाई देगा सेम नेम से हमारा टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है पर आपको हमारे टेलीग्राम के जो रियल और ओरिजिनल चैनल है उससे कैसे जुड़ना आपको करना क्या वीडियो के नीचे जहां कमेंट करते हो वहां आपको हमारे टेलीग्राम

फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं यहाँ पे कि कौन सी टीम स्ट्रॉग है कौन सी टीम वीक है और कौन इन्वेस्टमेंट कैसी करनी चाहिए तो सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट आपको मीडियम या आपको लो करनी चाहिए या मीडियम बोलो तो ज़्यादा मत करना मीडियम और लो के बीच में रखना ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट मत करना ठीक है ये हाई इन्वेस्टमेंट वाले मैच नहीं है और दूसरा आते है, टीम कौन सी स्ट्रांग है तो आपके सामने अभी दिखा देता हूँ से दो मैच जीत के चार चौथेटली पता चल पा होगा कि थोड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो है वो पीएन की टीम नजर आ रही है तो यहाँ पे पीएन की टीम के थोड़े ज्यादा प्लेयर को कंसिडर करने की कोशिश करेंगे तो एक बात और क्लियर करते हैं कि जो टूर्नामेंट का सबसे फर्स्ट मैच हुआ था वो इन दोनों टीम के बीच ही हुआ था जिसमें पैंथर्स की टीम बहुत इजीली वन साइडेड मैच जीत गई थी सत्ताक्स की टीम को ऑल आउट किया था तो यहाँ पे एक रीज़न और प्रूव होता है कि शार्क्स की टीम थोड़ी वीक है पैंथर्स की टीम के सामने तो पहला मैच जो रहा था उसमें आप स्कोर कार्ड देख सकते हो यहाँ पे ये यह रहा था अभी हम लास्ट मैच के स्कोर कार्ड को कंसिडर करेंगे ठीक है तो अभी फिलहाल पहले मैच को आप देख सकते हो ये स्कोर कार्ड रहा था और बॉलिंग में आप देख सकते हो कौन कितनी बॉलिंग करके गया था तो ये आप देख सकते हो ठीक है अभी हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो अभी जो कल जो रिसेंट दोनों टीम के मैच है उसको कंसिडर करेंगे क्योंकि ये पहला मैच था तो काफ़ी टीम चेंज कर चुकी होगी अभी तक तो यहाँ पर चाहो तो देख सकते हो जो पैंथर्स का लास्ट मैच रहा था वो पैंथर्स वो वाला मैच भी विन करके आई है तो यहाँ पे अगर पैंथर्स का लास्ट मैच का स्कोर कार्ड देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा शिवम सिंह को टीम ने ऊपर प्रमोट किया गया था क्योंकि लास्ट मैच में कोई और ओपन करना था तो उसको मैं आपको लास्ट मैच का स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा इसलिए आराम से देखो तसल्ली से हर कुछ सीख के जाओगे और अच्छी ऐसी ग्रैंड लीग की टीम बना पाओगे वहीं बात करें राहुल रोहित डी के बारे में तो रोहित डी पांच रन बना ओपन करने और काफी अच्छे टच में भी है कैप्टन भी और काफी अच्छे रन मार रहा है टूर्नामेंट में बाकी अमीर जीशन है नौ रन बना के गया था कार्तिकन जे है यहाँ पे सागर त्रिवेदी अभी मैं हर प्लेयर के बारे में आपको बताऊंगा सागर त्रिवेदी जो दो मैच में काफ़ी अच्छी इनिंग खेल के गया है और कम बॉलों पर ज्यादा रन बना के गया है बाकी जॉर्ज सैम्यूअल के बारे में बात करें तो आप ये देख सकते हो विकेट कीपिंग करेंगी की टीम से सिद्धार्थ सिद्धार्थ सिंह कर रहा है बॉलिंग ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर रहा है मिडल ऑर्डर बैटिंग कर लेता है प्लस बॉलिंग और यहाँ पे सिद्धार्थ भूषण शर्मा है जो बॉलिंग करते हुए दिख जाएगा रघु शर्मा है अरविंद राज है बाकी यहाँ पे विजय विजय आर है तो बॉलिंग में अगर देखोगे तो बॉल कौन कितने करने वाला है यहाँ पे विजय यार आपको अगर खेलता हुआ दिख जाएगा तो यहाँ पे कन्फर्म है कि तीन से चार ओवर आपको डालते हुए दिख जाएगा अरविंद राज पहले मैच से अभी तक कन्फर्म खेल रहा है और बॉलिंग भी तीन से चार ओवर अपने पूरे कर रहा है यहाँ पे सिद्धार्थ सिंह है ये मिडिल ऑर्डर पे काफी अच्छी बॉलिंग कर रहा है और बैटिंग भी मिडिल ऑर्डर पे आपको खेलते हुए दिख सकता है तो इसलिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगा आपके लिए कैप्टनसी वाइट कैप्टन के लिए काफ़ी अच्छी पिक रहने वाला है रघु शर्मा जो अपने चार ओवर कंप्लीट कर रहा है और भरत भूषण भुश, शर्मा कभी खेलता कभी नहीं खेलता तो यहाँ पे इसके साथ देख के चलेंगे कि टीम अगर खिलाएगी तो यहाँ पे टीम इसे दो से तीन ओवर डलवा सकती है बाकी शिवम सिंह जो ओपन करने आया था वो आप देख सकते हो यहाँ पे पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेता है और रोहित डी जो उनका कैप्टन है वो भी पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेता है बट इस मैच में नहीं करी उसने तो यहाँ पे पैंथर्स का आप देख सकते हो लास्ट लास्ट मैच पर क्या स्कोर कर रहा था आ, यहाँ पे देखोगे तो अजय दहिया जो इनका ओपन करने आ रहा है और लास्ट मैच में चेंज किया था उन्होंने पर अजय दहिया इनका ओपन करने आ रहा है राह रोहित डी के साथ जो कैप्टन है रोहित डी काफी अच्छी फॉर्म में भी चल रहा है और काफी अच्छा प्लेयर रहेगा आपके लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी अमित जीशन ने ट्वेंटी रन की इनिंग खेली इससे पहले वाले मैच में आई थिंक अच्छी इनिंग भी खेली थी किसने बाकी सागर त्रिवेदी की जैसे मैं कह रहा हूँ कि कम बॉल पे हिटिंग वाली पावर है इसके पास और कम बॉल पर ज़्यादा रन खेलने की कैपेबिलिटी रखता है और सिलेक्शन भी इसका बहुत कम है तो डेफिनेटली अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो स्पेशली ग्रैंड लीग में सागर त्रिवेदी को बाकी अगर बॉलिंग में देखोगे तो बॉलिंग में क्या रहने वाला है आ, बॉलिंग में देखोगे तो यहाँ पे अरविंद राज है आ, ए बघारिया बगरिया है, बग है इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि रेगुलर मैच नहीं खेल रहा और खेला भी था दो ओवर डाले बाकी यहाँ पे बात कर रहे अरविंद राज मैंने जैसे बताया कि चार ओवर डाल रहा है सिद्धार्थ सिंह आपके बारे में बताया कि मैंने कंफर्म अच्छी खासी बॉलिंग कर रहा है पूरे चार ओवर डाल के रोहित डी जो ओपन बैट्समैन है कैप्टन है पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेता है एक ओवर करा रघु शर्मा रेगुलर हमने चार ओवर करा तो जो कन्फर्म चार ओवर बॉलर करने वाले इनके प्लेयर है वो अरविंद राज है सिद्धार्थ सिंह है और रघु शर्मा है बाकी शिवम सिंह अपने पार्ट टाइम बॉलिंग करते हुए दिख सकता है और लास्ट मैच में से ओपन भी प्रमोट किया तो अपनी टीम में आप सो सकते हो और ये तीसरा मैच में स्कोर का एनालाइज करके दिखाता हुए यहाँ पे अजय दहैर ओपन करने आया था जो मैंने आपको बताया कि रेगुलर बैटिंग ऑर्डर रहा है इसका बाकी भी रोहित डी काफी अच्छी टच में नजर आ रहा है हाफ सेंचुरी मार के गया आमिर जीशन ने एटी रन की इनिंग खेली थी तो एक इंपॉर्टेंट पिक रहता है सागर त्रिवेदी इस मैच में थोड़ा जल्दी आउट हो गया क्योंकि हिट एंड आउट वाला प्लेयर है कि तेज इनिंग खेलने वाला प्लेयर है सिद्धार्थ सिंह मिडल ऑर्डर पे यहाँ पे शिवम सिंह जो मैंने अब लास्ट जो लास्ट मैच रहा था अभी वाला उसमें ओपन करने भी आया था तो दहिया नहीं था उस मैच में ठीक है तो बात को ध्यान रख के चलना बाकी अगर देखोगे तो अरविंद राज है चार ओवर ऑलमोस्ट मान के चलो कि करेगा सिद्धार्थ सिंह मिडल ऑर्डर है बैटिंग प्लस चार ओवर इस मैच में अभी वो खिलाया तो यहाँ पे रेगुलर नहीं खिला रही टीम ही से अगर खेलेगा तो टीम ओवर करवाएगी अदरवाइज नहीं करवाएगी रघु शर्मा चार ओवर का चार ओवर डाल के आपको दिख जाएगा हर मैच में डाल रहा है और अब दिख भी रहा है आपको बाकी भूषण शर्मा जिस मैच में खेलता टीम उससे तीन ओवर करवाई लेते हैं बाकी शिवम सिंह जो लास्ट मैच में ओपन करने आया था उसने कुछ ओवर भी डाले ठीक है तो अगर आपको पता चल गया पॉइंट पैथर्स की टीम के आपको इंपॉर्टेंट uh, इंपॉर्टेंट जो पांच छह प्लेयर वो पता चल गए होंगे वो अभी अपनी टीम बनाएंगे तो आप डिस्कस करेंगे उनके बारे में बाकी यहाँ पे देखोगे शाक्स की टीम का जो लास्ट मैच में बैटिंग ऑर्डर रहा हो क्या रहा था निपुण गायकवाड़ ओपन करने आ रहा है अर्जुन सेट्टी जो इनकी टीम के लिए तीन मैच खेलते हैं और तीनों मैच में इसने 20 से ऊपर स्कोर किया एक में 42 टू किया एक में 49 नाइन किया एक में 21 वन किया तो काफ़ी अच्छे टच में और ओपनिंग कर रहा है बाकी यहाँ पे है इनका शिरंदु इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा चिन्ना दुरई बाकी सुरेश कुमार है ये पार्ट टाइम पार्ट टाइम तीन से चार ओवर डाल मैं पार्ट टाइम तो नहीं बोलूंगा आपको तीन से चार ओवर डालते हुए दिख सकता है और यहाँ पे मिडिल ऑर्डर है बैटिंग सिलेक्शन रेट आई थिंक बहुत कम है तो आपके लिए एक अच्छी पिक बन सकता है ग्रैंड लीग में और अभी तक चला नहीं है तो जिस दिन चलेगा अच्छी इनिंग खेल सकता है बाकी यहाँ पे है चिरंजीवी जो उनका कैप्टन है ये भी पार्ट टाइम बॉलिंग करते हुए दिख जाएगा आपको दो से तीन ओवर बाकी माधवन एम है और यहाँ पे है अलंकृत अग्रवाल तो ये दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा बस विकेट कीपिंग सेक्शन में आप चाहो तो थोड़े ग्रैंड लीग में माथवन एम को ट्राई कर सकते हो बाकी अलंकृत अग्रवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा निपुन गायकवाड़ अर्जुन शेट्टी बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा ये दो आप सोच सकते हो और बॉलिंग में अगर आप देखोगे तो बॉलिंग में कौन आपको डाल दे सकता है इनकी टीम का जो रेगुलर बॉलर है वेंकटेश्वरन एन जो चार ओवर मेरे ख्याल से पूरा डालते हुए दिख जाएगा आपको मथन एन ये भी चार ओवर डाल रहा है हर मैच में बाकी जसवंत भी चार ओवर डाल रहा है सुरेश कुमार जो मैंने बताया कि बैटिंग कर लेता है और बॉलिंग तो एक अच्छा ऑलराउंडर है अभी तक परफॉर्मेंस इतनी अच्छी निकलने से लोगों का ध्यान इसकी तरफ है नहीं तो आप स्पेशल ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना जो उनका कैप्टन है चिरंजीवी ये भी सुरेश कुमार और ये आपके लिए एक अच्छे खासे ऑप्शन रह है सकते हैं जो बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट देने वाले आपको सुरेश कुमार और चिरंजीवी तो ध्यान रखिए चलना बाकी अयप्पा एम है ठीक है तो अभी द्वारा दूसरे मैच का दूसरे मैच में फिर अर्जुन शेट्टी ओपन करने करवाया था उन्होंने ओपनिंग ऑर्डर चेंज पे अरविंद के को खिलाया जो कि निपुण गायकवाड़ आया था पर निपुन निपुन गायकवाड़ ने इस मैच में फोर्टी रन की इनिंग खिली ये दो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे चरणजीवी जो कैप्टन है सुरेश कुमार जो दोनों पार्ट टाइम बॉलर और बैट्समैन है तो ठीक है इन दोनों को ध्यान रखें चलो बाकी माथवन विकेट कीपर है अलंकृत अग्रवाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा अयप्पन आपको चार ओवर डालते दिख जाएगा दस जसवंत चार ओवर और मत्थन चार ओवर तो इनकी टीम से जो दो तो तीन इंपॉर्टेंट तो बॉलर है अयप्पन जसवंत और मत्थन ये तीन आपको अगर खेलते देखेंगे तो तीन से चार ओवर पूरे डालते हुए दिखेंगे तो देखते उन्होंने बॉलिंग करी भी होगी बाकी देखते हैं यहाँ पे मत्थन ने तीन ओवर करे जसवंत ने चार करे अयप्पन ने चार करे बाकी वेंकट भी तीन ओवर तक डाल रहा बाकी एक वही बात है कि चिरंजीवी ने यहाँ पे सिर्फ एक ओवर डाला पर डाला तो दो विकेट ले गया और सुरेश कुमार भी चार ओवर डाल के गया है तो सुरेश कुमार चिरंजीवी जो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको दिए होंगे सिलेक्शन रेट इनका बीस परसेंट के आसपास भी नहीं है तो आप समझ सकते हो बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से पॉइंट देने की कैपेबिलिटी रखते हैं बट यहाँ पे देखोगे तो पांडेज वो पैंथर्स की अपोनेंट वाली टीम थोड़ी स्ट्रॉन्ग है और अर्जुन शेट्टी ने भी इस मैच में एक बॉलिंग करी है जो ओपन करने आ रहा था अभी तक दोनों मैचों फोर्टी प्लस स्कोर करके आया है तो उन सबको देखते मैंने आपके लिए टीम बनाई है उसको मैं हर प्लेयर के लिए पीछे लॉजिक को बता तो लेने का और अभी तो इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि अब वीडियो को अब इस मत करना है हर प्लेयर के बारे में बता सकता हूँ मैं आपको अच्छे से देखो यहाँ पर मैंने गायकवाड़ों क्यों लिया है क्योंकि ये ओपन कर रहा है निपुन गायकवाड़ और फर्स्ट राउंड करेगा तो टॉप ऑर्डर में खेलेगा बैटिंग हंड्रेड आने के चांस है ठीक है विकेट कीपिंग भले ही ना कर रहा हूँ बट फिर भी आज उनकी टीम से विकेट कीपिंग कर रहा वो माथवन करके था जो मैंने आपको दिखाया था ठीक है तो यहाँ पे शायद इनकी टीम से सैम्यूल कर रहा है तो बाकी मुझे वो बैटिंग जिसके हंड्रेड आने के चांस है हंड्रेड परसेंट वो गायकॉड है इसलिए तो इसके पीछे रीजन लेने का ये है बाकी माथवन भी है तो ग्रैंड लिंग में आप जरूर ट्राई कर सकते हो अगर यहाँ पे चांस क्या बनता है ग्रैंडलिंग में अगर गायकवाड जल्दी आउट होता है तो माथवन अगर आपको कैचिंग स्टम्पिंग में दो तीन कैच दे गया कि स्टम्पिंग दे गया तो तीस बत्तीस पॉइंट वैसे बन जाते हैं और बैटिंग मिडिल ऑर्डर में अगर मिल जाती है दस पंद्रह मार जाता है तो चालीस पचास के पॉइंट दे सकता है ये ग्रैंड ग्रैंडलिंग में सोच के कर सकते हो बाकी स्मॉल लिंग में इसके याद जाना है क्योंकि ओपन करने आ रहा है और अगर चल जाएगा तो चालीस न भी मार सकता है इसलिए स्मॉल लीग में ज्यादा रिस्क नहीं लेना तो ये आपके लिए बेस्ट पिक रहने वाला है बाकी देखोगे तो इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं रहने वाले बाकी एक आपको प्लेयर दिखाता तो जो इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर ओ, मतलब इंटरनेशनल तो नहीं बोलोगे एक बड़े लेवल का प्लेयर है शेल्डन जैक्सन जो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आई थिंक खेल चुका है और यहाँ पे आपको ध्यान रख के चलना है शेल्डन जैक्सन को तो अगर इसको टीम खिलाती है तो हंड्रेड परसेंट टीम में लेना इवन कैप्टन करना है, क्योंकि रणजी लेवल पे भी बहुत बड़ा प्लेयर है तो डोमेस्टिक लेवल में बहुत बड़ा नाम है शेल्डन जैक्सन का तो याद रख के चलना अगर खेलता है तो जरूर हंड्रेड परसेंटें लेना है बाकी आते हैं यहाँ पे मैं जीशन किया गया हूँ क्योंकि सैवटी नाइन रन के एक मैच में इनिंग खेल के आ रहा है एट्टी जो सेवन एट्टी रन की इनिंग खेली थी और टॉप ऑर्डर बैटिंग कर रहा है इसलिए मैं इसके साथ जा रहा हूँ बाकी अगर आप देखोगे तो मैं Uh, ये तो एक एक आधे मैच खेलने वाले प्लेयर है और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर रहा है रोहित सिंह कैप्टन है इसके साथ जाने वाला क्योंकि एक आधा ओवर भी कर सकता है और ओपन में अभी तक काफ़ी से टच में नजर भी आया और उसका आई थिंक मैंने तमिलनाडु प्रीमियर लीग में खेलते हुए भी देखा है uh, यहाँ पे है एस सिंह एस सिंह कौन है ये जो आपको दिख रहा होगा जो लास्ट मैच ओपन करने आया था शिवम सिंह प्लस Uh, इसने दो से तीन ओवर भी डाले थे और अब अप, आपको एक ऐसा प्लेयर मिल रहा है बैटिंग सेक्शन में जो बैटिंग भी करते हुए दिख जाएगा भले ही लास्ट मैच चलो ओपन है क्या पता टीम इस मैच में मिडल ऑर्डर में बैटिंग करवाए पर बैटिंग भी कर रहा है बॉलिंग भी कर रहा था तो आपको कहीं ना कहीं से पॉइंट निकाल के दे सकता है और बैटिंग सेक्शन में आई थिंक ये तीन आपके लिए सबसे बेस्ट पिक रहेगा तो आई थिंक हमें इसे पिक करना चाहिए तो तीन हर सबसे बेस्ट रहने वाले हैं बाकी तो मेरे ख्याल से इतने इंपॉर्टेंट कोई नजर आते नहीं है बाकी अगर आप देखोगे तो ऑलराउंडर सेक्शन में आप ग्रैंड लीग में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको ट्राई कर सकते हो यहाँ पे बट मैंने जो तीन पिक करे यहाँ पे गणेश एक गणेश वो अर्जुन जो ओपन करने आ रहा था वो फोर्टी

ये अपने चार ओवर पूरे कंफर्म कर रहा है इसलिए मैं इसके आगे गया हूँ बाकी आपका जो दो प्लेयर मैं आपको ट्राई करने के लिए कह रहा हूँ वो कौन है चिरंजीवी आपको दो से तीन ओवर डालते हुए देख सकता है और बैटिंग करेगा बाकी दूसरा प्लेयर है सुरेश कुमार और तीसरा है अयप्पन तो यहाँ पे यहाँ पे आप सो सकते हो बाकी मैं शार की तरफ से आप चाहो तो अयप्पन अयप्पन को भी ले सकते हो यहाँ पे जसवंत को भी किसी को भी पिक कर सकते हो तो आप ये कर सकते हो बाकी बॉलिंग में मैंने ट्राई करा है यहाँ पे अरविंद राज चार ओवर ऑलमोस्ट अपनी टीम के लिए पूरे कर रहा है बाकी यहाँ पे है एन वेंकदेश्वरन और यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो कि ये भी तीन ओवर तक डाल रहा है तो हमें वो प्लेयर करने जो ऑलमोस्ट हर मैच में कुछ ना कुछ बॉलिंग या बैटिंग कर रहे हैं तो नाम नाम से जो खेलेगा वो हमें पॉइंट देने वाले नहीं है बाकी भूषण शर्मा खेलेगा तो डेफिनेटली टीम में लेना और यहाँ पे ये पैथर्स की टीम का प्लेयर है तो पैंथर्स की टीम स्ट्रॉग है तो शायद मैं इसके साथ जा सकता हूँ अगर ये खेलता हुआ दिख जाए सेम यहाँ पे विजय के साथ है अगर इन दोनों में से कोई भी खेलेगा तो ग्यारह प्लेयर शायद मैं वो ले लूँ क्योंकि मुझे पैंथर्स की टीम स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और वो विकेट लेने के चांस ज़्यादा है अगर दोनों खेलेंगे तो मान के चलो कि तीन या चार ओवर तो करने ही वाले हैं बाकी अगर नहीं खेलेंगे तो यहाँ पे मत्थन को भी ले सकते हो कि जो चार ओवर कर रहा है बाकी अभी सिर्फ एक मैच में खेला अगर ये आज भी खेलता तो मुझे लगता है कि चार ओवर डालेगा तो इसको ही पिक करेंगे तो ग्यारह प्लेयर मैं शायद जो पिक करूंगा वो पैंथर्स की टीम से ही करूंगा तो यहाँ पे ज़्यादातर चांस वही नजर आ रहे हैं मुझे और फ़िलहाल देखोगे तो मैं फिलहाल इसके साथ जा रहा हूँ मान के चलता हूँ कि लास्ट मैच में ये खेला था तो यहाँ पे इसको ले कर चल रहा हूँ अबीश को कैप्टन में करने वाला डी रोहित ही क्योंकि पार्ट टाइम एक से दो ओवर भी कर सकता है कन्फर्म नहीं बट कर सकता प्लस बैटिंग कर रहा ओपन बाकी मैंने बॉलिंग में लिया सिद्धत सिंह जो आपको मिडल ऑर्डर है बैटिंग प्लस चार ओवर डालते जाएगा और अभी तक बहुत अच्छी विकेट टेकिंग कैपेबिलिटीज के पास है विकेट लेके दे रहा है तो यहां से मैं पैंथर्स की टीम से कैप्टनसी वाइट कैप्टनसी लेके जा रहा हूं बाकी मुझे इतना कोई सेफ ऑप्शन नजर आता नहीं है बाकी बॉलर ये सारे बैटिंग तो कोई करके दे नहीं रहा तो यहाँ पे यही दो प्लेयर है जो बैटिंग प्लस बॉलिंग स्पेशल ये थोड़ी बैटिंग कर देता है ये बैटिंग अच्छी करता है बॉलिंग थोड़ी कम करता है ये बॉलिंग अच्छी करता है बैटिंग थोड़ी कम करता है तो ये मेरे लिए रहने वाले स्मॉल लीग के बात बात ग्रैंड लीग के ऊपर तो बेसिक लॉजिक देखो स्मॉल लीग की टीम बनाने का क्या है कि देखो ये तीन से चार ओवर यहां कवर हो गए पैंथर की टीम से चार ओवर यहां कवर हो गए चार ओवर यहाँ कवर हो गए तो मान के चलो आपके कितने ओवर कवर हो गए Uh, चार ये करेगा चार तो यहाँ पे अगर ये कंफर्म होते है तो यहाँ पे आप मान के चलो कि टोटल बीस के बीस ओवर आपके कवर होते हैं अगर ये खेलते हुए दिखते हैं तो यहाँ पे बीस ओवर खेलेंगे तो अगर इनकी टीम के ज़्यादा विकेट गिरते शार्क्स के तो आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलने वाले हैं तो ये सोचिए और बाकी इनकी टीम से देखोगे तो यहाँ चार ओवर ये करेगा ये ओपन में थोड़ी फॉर्म में अच्छी है और बाकी मुझे शार्क्स के लगता है कि ज़्यादा विकेट नहीं गिराने वाले अपोनेंट टीम के तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिया इसको लिया इसको लिया बाकी आप चाह सकते हो यहाँ पे एक चेंज कर सकते हो मैं क्या करने वाला हूँ इसकी जगह चाहो तो आप ले सकते हो मत्थन को क्योंकि कि मत्थन भी चार ओवर पूरे कर रहा है तो एक ये चेंज कर सकते हो आप बाकी तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट टीम सेम ही रहेगी स्मॉल लीग की ठीक है तो ये कुछ चेंज कर सकते हो आप इनकी टीम से भी ऑलमोस्ट मान के चलो आ चार मतलब उनके ओवर से इनकी टीम से मैंने थोड़े कम बॉल्स ट्राई करे क्योंकि पैंथर्स की टीम से ज़्यादा ट्राई करे उनका टॉप ऑर्डर भी कवर हो रहा है टॉप ऑर्डर के बैट्समैन भी कवर हो रहे हैं इनके और यहाँ पे इनका टॉप ऑर्डर का बैट्समैन भी कवर हो रहा है और बॉलर भी हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ी बैलेंस टीम नजर आती है कहते हैं ग्रैंड लीग की टीम पे, ग्रैंड लीग में थोड़ा डिफरेंट सोचा हैं यहाँ पे आ, क्या कर सकते हैं हम वेंकटदेश्वरम को हटाइए यहाँ पे अगर चाहो तो विजय ही खेलता तो विजयी को लेके चलने वाले हम या बीच को ठीक है यहाँ पे कह सकते थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे मैंने रेड्डी को जो ओपन करने आया उसको ड्रॉप करा क्योंकि हर मैच में बैट्समैन खेलेगा ऐसा बैट्समैन तो हर मैच में मान के चलो नहीं चल रहा आज नहीं चलेगा चिरंजीवी लिया मैंने जसवंत लिया जसवंत की जगह चाहो तो मैं आपको एक चेंज और बता सकता हूँ जैसे मेरे कहा सुरेश कुमार जो बैटिंग प्लस बॉलिंग करते हुए देख सकता है तो मैंने थोड़े ऑलराउंडर ले ली दो बाकी दो ऑलराउंडर इनकी टीम से जो पहले मैच सेम बाकी बैट्समैन सेम रखे हैं विकेट कीपर सेम रखा है और मत्थन लिया यहाँ पे बाकी दो एक बॉलर चेंज करा है तो थोड़ा डिफरेंट गया कैप्टन वाइस कैप्टन आप चाहो तो क्या कर सकते हो कैप्टन कैप्टनसी इनको दिया रोहित के साथ ही गए आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा इनके बॉलर्स को ट्राई कर सकते हो जैसे इसको ले सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो आप यहाँ पे तो इनके बॉलर्स को थोड़ा ट्राई कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन तो ये ग्रैंड लीग से पहले स्मॉल लीग थी आई थिंक सारे पॉइंट कवर होंगे हर पेयर के बारे में डीप नॉलेज होगी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब का रेड बटन नीचे दिखाई दे रहा होगा उसको दबाना और घंटी दबाना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन और मैसेज आपको सबसे पहले जब भी वीडियो अपलोड करो दोस्तों और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर सकते हो कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछोगे जब भी मैं रीड करूंगा रिप्लाई करूंगा टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना वीडियो के नीचे जहां कमेंट करते हो वहां आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा सबसे ऊपर ब्लू कलर का लिंक होगा जैसे हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा देन ज्वाइन कर लेना ग्रैंड लिंक में रैंक की फोटो लगी होगी तो ध्यान रखना टेलीग्राम से जुड़ने के लिए वीडियो के कमेंट में दिए गए लिंक का ही यूज करना है नहीं तो आप किसी कला चैनल के साथ जुड़ सकते हो तो मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ जय हिंद दोस्तों बाय बाय